नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का यह हमारा नुस्खा उन भाइयों के लिए है जिनको लड़की से बात करते ही चिपचिपा पानी निकलने लगता है, धात जा रही है, वीर्य पानी की तरह पतला हो चुका है और शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है, चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और दोस्तों, वीर्यवाहिनी नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं जो सोचने पर ही वीर्य को चिपचिपे पानी के रूप में बाहर फेंकने लगती हैं। ऐसे भाई दोस्तों संभोग नहीं कर सकते, लड़की के पास जाएंगे, सेक्स करने से पहले ही उनका वीर्य निकल जाएगा। नाड़ियां इतनी कमजोर हो चुकी होती हैं जो थोड़ी देर के लिए भी वीर्य को रोक नहीं पाती हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों के लिए दोस्तों आज मैं ये नुस्खा लेकर आया हूं जिसके कुछ ही दिन इस्तेमाल से आपकी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस नुस्खे के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपने कोंच पाउडर ले लेना है 50 ग्राम का, जो काले कोंच के बीजों को शुद्ध करके बनाया हुआ हो। ये आप पाउडर देख रहे हैं, आपको 50 ग्राम पाउडर ले लेना है, काले कोंच के बीजों का शुद्ध किया हुआ पाउडर। अब दोस्तों आपने लगभग 100 ग्राम, ये बीज आप देख रहे हैं ये इमली के बीज हैं, पहाड़ी इमली के बीज, ये काफी बड़े होते हैं आप देख रहे हैं, ये आपने लगभग 100 ग्राम ले लेने हैं और इन्हें तोड़कर उनकी गिरी बाहर निकाल लेनी है। और ये पाउडर भी आपने 50 ग्राम लेना है। कुछ वजन दोस्तों इसके छिलकों में होता है, इसलिए आपने ये 100 ग्राम लेने हैं, इन्हें तोड़ लेना है और इनके अंदर से जो गिरी निकलेगी उसका आपने बारीक पाउडर बना लेना है और 50 ग्राम लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसे तोड़ने के बाद इस तरह की इसमें गिरी निकलती है, आपने इसे पीस लेना है और 50 ग्राम पाउडर ले लेना है। अब दोस्तों इन दोनों पाउडर को आपने अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इस पाउडर में दोस्तों आपने 10 ग्राम सिद्ध मकरध्वज डालना है, ये आप देख रहे हैं सिद्ध मकरध्वज 10 ग्राम आपको डालना है। 10 ग्राम आपने डालनी है इसमें चांदी भस्म और 10 ग्राम इसमें आपने डालनी है त्रिभंग भस्म। ये तीनों भस्में दोस्तों इस पाउडर में डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिला लेना है और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भस्में दोस्तों हाथ की तैयार की हुई होनी चाहिए क्योंकि बाजारू भस्मों का कोई रिजल्ट नहीं होता। इस पाउडर को दोस्तों आपने 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करना है दूध के साथ दिन में 2 टाइम। आपने इसे सुबह 1 गिलास दूध से, नाश्ते के लगभग 50 मिनट 1 घंटा बाद 1 गिलास दूध से आपने 1 से 1.5 ग्राम इसे खा लेना है और फिर आपने रात को भी सोने से पहले 1 गिलास दूध से 1 से 1.5 ग्राम ये नुस्खा ले लेना है। अब दोस्तों आपने ये आप देख रहे हैं 100 ग्राम आपने गोंद कतीरा लेना है, ये आप देख रहे हैं ये गोंद कतीरा है। इसी नुस्खे के साथ में दोस्तों आपने इसे इस्तेमाल करना है और इसे सिर्फ एक ही टाइम इस्तेमाल किया जाता है, सुबह खाली पेट। आपने दोस्तों रात को इसका एक टुकड़ा ले लेना है, अगर बड़ा टुकड़ा है तो आपने एक ले लेना है और अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आपने 2 टुकड़े ले लेने हैं। अब इस गोंद कतीरे को दोस्तों आपने लगभग 100 ml पानी में रात को डाल देना है और सुबह आपने सुबह ये फूल जाएगा, सुबह खाली पेट आपने इस गोंद कतीरे को खा लेना है और वो जो इसका 100 ml पानी था वो भी आपने पी लेना है और फिर आपने नाश्ते के बाद में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है जो आपको बताया है और रात को भी इसे इस्तेमाल करना है इसी नुस्खे को। बाकी गोंद कतीरा सिर्फ सुबह ही आपने इस्तेमाल करना है खाली पेट जिस तरह बताया है। दोस्तों इसके कुछ ही दिन इस्तेमाल से आपका वीर्य बहुत जल्दी गाढ़ा होगा और काफी मात्रा में बनेगा भी और गाढ़ा भी होगा। आपकी वीर्यवाहिनी नाड़ियां मजबूत हो जाएंगी और ये जो चिपचिपा पानी थोड़ा सोचने पर ही निकलने लगता है ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। शरीर में भरपूर ताकत महसूस होगी और पेशाब आप अपना फिर चेक करा लेना, आपके पेशाब में धात पसेल्स कुछ भी नहीं रहेगा और आपके पेशाब का रंग भी पीले से बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, साफ। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी एक नए नुस्खे के साथ। धन्यवाद।